अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये देखें जी, फिश बायोफ्लॉक टैंक बनाया था, लेकिन मैंने बायोफ्लॉक तो ख़त्म कर दिया था उसी साल। तो उसके बाद मैंने फिर ये इसमें देसी मछली डाल दी थी सारी, और तब से ये 3 साल 4 साल हो गए हैं, बल्कि शायद इससे 4 साल से ज़्यादा ही हो गया अरसा। तो देसी मछली पालता हूँ, ये देखें मछली फिर रही है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसको पालते किस तरह। मैंने पहले मेरा दूसरा चैनल था उस पर भी वीडियो बना के मैंने काफ़ी सारी अपलोड की हुई थी, लेकिन चलें फिर आपको दिखाता हूँ, कुछ आज दिखाता हूँ खुराक की तो कुछ नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये देखें, ये दोस्तों बूटी है, ये डालते हैं इसको, और इसको मैंने पिछली वीडियोज़ में भी दिखाया था कि किस तरह हम उगाते हैं, एक दफ़ा फिर दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये पानी ओवर होके इधर से आता है, और आप ये देखें उसमें ऑक्सीजन भी नहीं है, तो यही पानी फिर हम आगे ये देखें यहाँ से बंद करते हैं तो इसमें चला जाता है। ये देखें इसके ऊपर ये मुर्गाबियाँ फिरती रही हैं, तो उन्होंने ऊपर से काफ़ी खाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखें ये बूटी कितनी ज़्यादा है। इसमें से हम डेली निकाल के बहुत सारी उसमें डालते हैं, कुछ बाहर बड़े तालाब में डालते हैं, तो ये बूटी खाते हैं। ये देखें ये बूटी ऊपर से बिल्कुल खा ली है मछलियों ने, वो फिर पाइप में से बाहर निकल आती हैं, जो सेंटर में पाइप लगाया हुआ है वो देखें। इस पाइप का दोस्तों फ़ायदा ये है कि जब इसमें पानी चलता है, ये अभी मेरा मुलाजम नहा के गया तो उसने पाइप बाहर रख दिया, तो जब पानी इसमें से चलता है तो नीचे से सारा स्लज ऊपर आता है और उधर से निकल जाता है, इससे मछली नहीं बाहर निकलती। बहुत छोटा बच्चा बाहर निकला था मछली का, लेकिन वो भी बाहर क्योंकि दूसरा तालाब है बड़ा, तो उसमें चला जाता है, वो हमें कोई उसका नुकसान नहीं है। तो ये देखें जी, ये मोटरें चल रही हैं, ये मोटर एक पाइप इसमें डाल देंगे, ये सारा दिन ये पाइप चलेगा, ये दूसरी मोटर का पाइप है, और इधर भी ये देखें ये भी हमने बूटी ही उगाई हुई है। तो ये दोस्तों बूटी सारी ये खाती हैं मछलियाँ, और ये इनका बच्चा करोड़ों की तादाद में बच्चा होता है, बतखें भी खाती हैं, मुर्गाबियाँ भी खाती हैं, और माशाल्लाह अंडे की एवरेज भी ठीक है, हम इनको कुछ भी नहीं डाल रहे। तो दोस्तों आपको हमारा तरीका कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स ज़रूर किया करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।